अस्सलाम वालेकुम डेरा गाजी खान के गयूर बहन भाइयों, कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हकीकी आजादी के लिए मार्च करने जा रहे हैं लाहौर से। और ये जो हमारे ऊपर हुक्मरान मुसलत कर दिए गए, जो अवामी मैंडेट से नहीं आए, आपके वोट से नहीं आए, ये बंद दरवाजों के पीछे सुपर पावर के साथ मिलके मिर जाफर और मिर सादिक बन के जमीर बेच के, जिस तरह जानवरों की बकरा मंडी लगती है, इस तरह उनके पैसे की जमीर खरीद के ये हमारे सर के ऊपर मुसलत कर दिए गए हैं। अगर आप इनकी काबीना निकालें, अगर आप इनकी जमातों को देखें, तो हर इस वक्त जो हुक्मरान है वो कोई रसागीर है, कोई बदमाश है, किसी ने जमीनों के ऊपर कब्जा किया हुआ है, कातिल इसके अंदर मौजूद है, चोर इसके अंदर मौजूद है, मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले मौजूद है। 16-16 अरब की इन्होंने करप्शन की हुई है, सिर्फ बढ़ के भी करप्शन की हुई है। और ये आपकी ताकत से नहीं आए, ये बंद दरवाजों के पीछे आए हैं मिर जाफर और मिर सादिक बन के। और इस वक्त जो उन्होंने जीना महाल किया हुआ है हमारी इस कौम का, खुद यह ऐशो इशरत कर रहे हैं। उस हकीकी आजादी के लिए सिर्फ इमरान खान आपको नहीं बुला रहा, आपको पाकिस्तान बुला रहा है। और जो हमारी जदोजहद है, जितनी भी लोग प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जानते हैं, हमारी जो जदोजहद है वो इंसाफ की खातर है, वो उस माशरे की खातर है कि जिसमें तमाम लोगों को यकसा हकूक मिले, जिसमें गरीब के लिए और अमीर के लिए एक कानून हो। वहां पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की आपके लिए पुकार है कि आपके आने वाली नस्लों के लिए आपको एक बेहतर पाकिस्तान चाहिए। वो नुमाइंदे आला मनसब के ऊपर बैठे जिस नुमाइंदे को आप चुने, तो हमारे सिर्फ एक ही मुतालबा है कि जो कि आईनी है, कानूनी है, और वो एक एक जनरल इलेक्शन होना चाहिए, वोट की पर्ची के जरिए इनकलाब होना चाहिए। वहां पर मुझे पता है कि मेरे डेरा गाजी खान के गयूर अवाम चाहते हैं कि वो उड़ के इस वक्त लाहौर चले जाए, लेकिन मेरा आप लोगों के लिए पैगाम है कि जब खान साहब इससे लाहौर से वाया जीटी रोड जब इंशाल्लाह इस्लामाबाद पहुंचेंगे, तो हम और आप डेरा गाजी खान से, हमारे जितने भी बाकी भी स्टेक होल्डर्स हैं, लीडरान हैं, वो अपने वर्कर्स के साथ, टाइगर्स के साथ जो है, इंशाल्लाह मैं आपको लीड करूंगी, हम आपको लीड करेंगे। डेरा गाजी खान से 3 तारीख को काफिले रवाना होंगे, आप लोग हमारे साथ जाइए, मेरे साथ जाइए, हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का वहां पर इस्लामाबाद में इस्तकबाल करेंगे। ये बात याद रखिएगा कि आपको हर कोई डराने की कोशिश कर रहा है, इस वक्त हर कोई आपको डरा रहा है कि लाशें गिरेंगी, फलाना होगा, ये होगा, वो होगा, वो हकीकी आजादी की आवाज को दबाना चाहते हैं। आपने किसी के डरावे में नहीं आना, किसी के बहकावे में नहीं आना, आपने थ्रेट में नहीं आना। हम इंतहाई अमन पसंद लोग हैं, हमारे जो मार्च है उसके अंदर बुजुर्ग, बच्चे, बूढ़े, नौजवान और फैमिलीज होती हैं, वहां पे आपको डराने की कोशिश होगी सिर्फ इसलिए कि हक की आवाज बुलंद ना हो सके, इमरान खान को अकेला कर सके। लेकिन इमरान खान माइनस नहीं होगा, ये पाकिस्तान अब पूरा इमरान खान के साथ खड़ा होगा। मैं आपका 3 तारीख को डेरा गाजी खान से काफिला निकलने का इंतजार करूंगी, मैं आपको लीड करूंगी, और मैं हमेशा आपसे कहती हूं कि मैं आपसे 10 कदम आगे होंगी, क्योंकि इमरान खान का मेरे ऊपर भरोसा है, मेरा आप लोगों के ऊपर भरोसा है कि आप पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं, सिर्फ इमरान खान की हक की जंग नहीं है। तो इंशाल्लाह 3 तारीख को डेरा गाजी खान से काफिले रवाना होंगे, अपने लीडर इमरान खान के शाना बशाना हकीकी आजादी मार्च में लुटेरों से, डाकों से, चोरों से, और इन कातिलों से, और इन मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों से इंशाल्लाह निजात करेंगे। और वो पाकिस्तान जो कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह ने जिसको बनाया था, जिसका अलावा इकबाल रहमतुल्लाह ने ख्वाब देखा था, उसको इंशाल्लाह पूरा करेंगे। बहुत शुक्रिया। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की गयूर अवाम जिंदाबाद।